कम इन। सर आपकी नानी जी का फोन है लाइन 2 पे। उन्होंने कहा कि आप अपना सेलफोन। इनफ, गेट आउट। जी नानी, आप घर कब आ रहे हैं? हमने आपसे कहा था ना, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे बहुत काम है नानी, मुझे देर हो जाएगी। बस, बहुत सुन लिया, अब और ना ही सुनेंगे। आप जल्दी घर आ जाइएगा, रखते हैं। हाय रे नंद किशोर, क्या करे इस लड़की का। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई गई जो ये नौकरी के लिए हाँ कर दिए। क्या करे नंद किशोर, कहां से पल्ले पड़ गई है। खुशी ने अब तक फोन नहीं उठाया, कहीं खुशी किसी परेशानी में तो नहीं। श्याम जी, आप तो खुशी का ऑफिस जानते हैं ना, उसके ऑफिस चल के देखें। मजदूर चले तो नहीं गए। कोई है? दरवाजा खोलिए। मतलब सब जा चुके हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ है। गलती से नानी को लावण्या जी के बारे में बता दिया तो ये सजा मिली। अब सच में इंसान नहीं, राक्षस हो राक्षस। तुम हाँ ये एहसान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या है ना, तुम्हारी नानी ने मुझे मिलने बुलाया था और तुमने मुझे बताया नहीं। मैं कुछ पूछ रहा हूँ लावण्या। एक्चुअली उन्होंने मुझे तुम्हें बताने से मना किया। उन्होंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया था? क्या बात हुई? बातें नहीं, क्वेश्चन। छोटे आ गए आप। यू नो व्हाट, मुझे अब चलना चाहिए, बट प्लीज तुम मुझे फोन करना मत भूलना। ओके बाय। चलिए श्याम जी, खुशी के ऑफिस चलते हैं। नहीं वो हाँ, हमारे पास खुशी जी के ऑफिस का नंबर है। जाने से पहले एक बार मिला के देखते हैं, क्या पता वहीं से कुछ खबर मिल जाए। ये लीजिए। मिल गया, बच रहा है। हेलो, हमें खुशी से बात करनी है। खुशी गुप्ता। खुशी गुप्ता जी, वो उनको तो बड़े साहब ने किसी काम से बाहर भेजा था। अच्छा, कहाँ भेजा है बता सकते हैं आप? सॉरी मैडम, वो तो उन्हीं को मालूम होगा। उन्हें मतलब अर्नव साहब को? क्या जी, उनका नंबर मिल सकता है? सॉरी मैडम, मैं साहब का नंबर तो नहीं दे सकता। रुकिए, फोन मत काटिए प्लीज, हमारी बात सुन लीजिए। इतनी देर हो गई है और खुशी अब तक घर नहीं पहुंची। आप उसकी बड़ी बहन बोल रहे, हम आपसे विनती करते, प्लीज आपके साहब का नंबर दे दीजिए। हमें बस अपनी बहन के बारे में पूछना है। हेलो हेलो, आप हमारी बात तो सुन रहे हैं ना? देखिए, हमें डर लग रहा है कि हमारी बहन किसी मुसीबत में, प्लीज हमें उनका नंबर दे दीजिए ना। ठीक है, पर आप किसी को बताइएगा नहीं कि नंबर मैंने दिया है। जी एक मिनट। नानी, सबका क्या मतलब है? आप लावण्या को ऐसे घर बुलाकर उससे क्या जानना चाहती थी, वो भी मुझे बिना बताए? छोटे, हम उस लड़के से आपके संबंध के बारे में पूछना चाहते थे। और हमका आपसे ये बारे में पहले बात करने की कोनो जरूरत नहीं। ये आपका व्यापार नहीं कि हम आपसे पूछिए। ये पूरी जिंदगी का सवाल है। मेरी जिंदगी का सवाल है, पूरे परिवार का सवाल है। इस तरह नहीं देखो हमका, हम कोनो नई बात नहीं कर रहे हैं। ये आके पहले आपके मामा के करतूत देख चुके हैं। मामा और मामी शादी से खुश हैं और किसी भी रिश्ते में वही बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये आप हमको नहीं बताइए। आपकी शादी किससे होगी, इसका फैसला हम करेंगे। नानी, ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी पूरी जिंदगी किसके साथ बिताऊंगा, ये मेरे अलावा किसी और का फैसला नहीं हो सकता। अरे गेटवा पे जो छोकरिया थी वो उहे थी ना तुम्हारी लावण्या कश्यप? ठीक कह रही हैं आप मनोरमा, वो मिस कश्यप ही थी। हेलो हाय बाय बाय, हम तो अर्णव को बोलिंग किए रहे, यहाँ तो कहीं और ही बाइटिंग करत है। अच्छा हुआ आ गए सब, इतने दिनों से ये सब चलता रहा और सब लोग चुपचाप देखते रहे। क्या समझे आप लोग, क्या हम खुद कुछ पता नहीं लगा सकते? नानी, अब आपको पता लग गया है तो आप क्या करेंगे? शादी की बात यही कहने वाली थी ना आप? करेंगे नानू जी से बात। देखिए, अभी तो नंबर पे मिल गया, वो हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे, आप करेंगे ना जी? हम हाँ बबुआ, अब तुम ही कुछ कर सका था। पता तो लगे माजरा का है नंद किशोर, हमें तो प्राण गले में अटके हैं, सोच सोच के दिल बैठा जा रहा है। का हुई है नंद किशोर, का हुई है? बबुआ कोनो बात है का? नहीं, वो बस सोच रहे हैं कि हम उनसे कहेंगे क्या। दीजिए पायल जी। पर नंबर बिजी आ रहा है। दीजिए हम ट्राई करते हैं, कभी तो लगेगा ना। नहीं, हम आपसे ब्याह की बात नहीं करेंगे। काहे? काहे कि वो कस्सप हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। जी, कोई तो हमें यहाँ से लेकर जाओ।